गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 7 का चैप्टर चेकअप करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज, और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब इस क्वेश्चन का कितने फैक्टर्स हैं। बच्चों देखिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? ए प्लस बी द होल स्क्वायर का मीनिंग है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट। जैसे एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? x इंटू एक्स। उसी तरह a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी को दो बार मल्टीप्लाई करना। अब इधर देखिए, क्या इसे हम और फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब क्या इसको और ब्रेकअप कर सकते हैं? नहीं। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? एक है a और दूसरा फैक्टर है b, सो टोटली a एंड b, सो कितने फैक्टर्स है? 2। तो इसीलिए आप 2 को मार्क करेंगे और 2 को ऑप्शन है b। फैक्टराइज्ड फॉर्म 4p माइनस 24 इज, मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? तो देखिए बच्चों, 4p को हम 4 इंटू पी लिख सकते हैं और 24 को हम माइनस के नीचे माइनस, और 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, ठीक है। तो हमने दोनों में से 4 को कॉमन निकालना है, क्योंकि इधर भी 4 है इधर भी 4 है। तो अगर मैं 4 को बाहर कॉमन निकाल दूँ और इस मल्टीप्लीकेशन इधर भी है, मल्टीप्लीकेशन इधर भी है, तो मल्टीप्लीकेशन भी मैंने कॉमन ले लिया, मतलब इसमें से 4 और x कॉमन ले लिया, इसमें से भी 4 और x को कॉमन ले लिया। तो बचा क्या बच्चों इस टर्म में? इस टर्म में सिर्फ p बचा है, फिर माइनस का साइन, और इस टर्म में सिर्फ 6 बचा है, करेक्ट। सो 4 इंटू पी माइनस 6। तो क्या मैं इंटू को सिर्फ ब्रैकेट लगा सकती हूँ? क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग भी तो मल्टीप्लीकेशन ही है। तो ये हमारा ऑप्शन है और ये ऑप्शन है डी। सो 4p माइनस 6 इज द ऑप्शन आंसर एंड द ऑप्शन इज डी। अब बच्चों यहाँ हमने ये बी और डी ऑप्शन टिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, और इनके साइड्स दिए गए हैं। देखिए ट्रायंगल मतलब 3 साइड, तो एक साइड ये है, सेकंड साइड और थर्ड साइड, ठीक है। यहाँ देखिए कॉमा से इन्होंने बताया है ये एक साइड है, फिर यहाँ से लेके इस कॉमा तक दो साइड, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। तो पेरीमीटर मतलब क्या बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। मैंने यहाँ ट्रायंगल के हिसाब से आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है ये साइड्स क्या है, ठीक है। मतलब इन तीनों को हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा, क्योंकि पेरीमीटर का मीनिंग है सम ऑफ ऑल साइड्स, और ट्रायंगल में 3 साइड्स है तो 3 साइड को ऐड करना है। अभी हम इसे वर्टिकल मेथड में करते हैं। जो हमारा फर्स्ट साइड है वो है 2x प्लस 3y प्लस 3z, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड साइड है, तो सेकेंड साइड को सेकेंड लाइन में लिखेंगे 4x, अभी x के नीचे ही x आएगा, माइनस 4y, y के नीचे y, प्लस 2z, z के नीचे z। फिर लास्ट साइड है 6x, थर्ड साइड, प्लस y। सो y के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1y लिख सकते हैं, माइनस 2z। अब इन्हें ऐड करना है, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए एडिशन करते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12x, क्योंकि ये है वेरिएबल x। अभी यहाँ देखिए 3 प्लस 1 4 है ना, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। अब प्लस 2z और माइनस 2z कैंसिल, क्योंकि 0 है इसका वैल्यू, तो z के साथ क्या लगा है? प्लस, तो यही हमारा आंसर होगा। सो द पेरीमीटर इज दिस। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ दिया है 3 साइड, सो ये हमारा फर्स्ट साइड है कमा तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कमा है सेकेंड साइड, और ये है हमारा थर्ड साइड, तो वो भी मैंने इधर लिख लिया है। अब पेरीमीटर मतलब क्या बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साथ साथ में करते बच्चों, आप भी ट्राई कीजिए। पहला साइड है 7x²
प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, दूसरा साइड है एट एक्स स्क्वायर, तो अभी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, माइनस फोर एक्स फोर एक्स के एक्स के नीचे लिखेंगे और नंबर को नंबर के नीचे लिखेंगे। थर्ड साइड है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन, अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एट प्लस सिक्स फोर्टीन, फोर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी वन, सो ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, सिक्स माइनस फोर टू और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो प्लस टू समझ लीजिए, सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर टू, सो प्लस आएगा क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, प्लस टू माइनस फोर, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर फोर बड़ा है तो माइनस टू एक्स, सेवन प्लस थ्री टेन, टेन प्लस नाइन नाइनटीन, सो ये हमारा पेरीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, हाउ मच इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव स्मॉलर देन सेवन प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। तो इस क्वेश्चन को समझने का और एक तरीका है, अगर आपको पता नहीं कैसे करना है तो इसे ध्यान मत दीजिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बदले मैं यहाँ लिखती हूँ फाइव, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ना देखूँ तो हाउ मच इज दिस स्मॉलर देन दिस, क्या बोल रही हूँ मैं, हाउ मच इज दिस स्मॉलर देन दिस, इससे क्या पता चलता है, हमारे इंग्लिश, अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये नंबर छोटा है इससे, तभी तो ये पूछ रहे हैं ये इससे कितना छोटा है, मतलब यहाँ छोटा नंबर लिखेंगे और यहाँ बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ना देखकर हम पढ़ेंगे, हाउ मच इज फाइव स्मॉलर देन सेवन, हम क्या पढ़ेंगे, हाउ मच इज फाइव स्मॉलर देन सेवन, फाइव सेवन से कितना छोटा है, दो, क्या किया हमने, सेवन माइनस फाइव, तो हमें आंसर मिलेगा, मतलब अब सेवन की जगह क्या है बच्चों, अब सेवन की जगह है सेवन प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है इससे, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों ये तीन टर्म है तो इसे, ये सिंगल नंबर नहीं है तो इसीलिए हम ब्रैकेट में इसे लिखेंगे और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस ब्रैकेट में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आपका क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन इसके साथ तो लग जाएगा माइनस, लेकिन ये माइनस वैसे ही रह जाएगा, जबकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनना चाहिए, माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस बनना चाहिए, तो ब्रैकेट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात, इस समय देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना होगा फाइव एक्स स्क्वायर, इसका पावर है टू, तो पहले टू वाला पावर, फिर वन वाला पावर माइनस थ्री एक्स, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है, प्लस सेवन क्योंकि इसका कोई पावर नहीं, मतलब जीरो पावर, सो टू पावर वन पावर जीरो पावर। अब इसे, ये तो ऑलरेडी टू वन जीरो के हिसाब से है तो इसे हाथ नहीं लगाएंगे, अब जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स तो इन सारे नंबर्स का साइंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर बन गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो अगर आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस देख लिया तो फटाफट इन सब के साइंस चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, दोनों ही एक्स स्क्वायर है लाइक टर्म्स, सो फाइव माइनस फोर इज वन, हम वन दिखाते नहीं हैं तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेवन माइनस फाइव इज टू एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, सिंप्लीफाई, अब देखिए ये सारे ही एक्स स्क्वायर है, मतलब ये सारे ही
लाइक टर्म्स है। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। पहले भी ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर था, अब भी ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है, पहले भी ये माइनस एक्स स्क्वायर था, अब भी ये माइनस एक्स स्क्वायर है। क्यों चेंज नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है प्लस। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं तो वन, तो माइनस वन माइनस वन क्या हुआ? माइनस टू। माइनस है तो दोनों को ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस टू हो गया। माइनस टू माइनस सिक्स क्या हुआ? दोनों माइनस है तो ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो माइनस एट एक्स स्क्वायर जो हमारा लाइक टर्म है, वो इस दिस इज द आंसर। अब इसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर है माइनस तो दोनों के साइन होंगे चेंज, प्लस फोर बन जाएगा माइनस फोर, माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स। चेक करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब फोर माइनस फोर तो हो गया जीरो, राइट। अब एक्स प्लस एक्स है टू एक्स, कैसे बच्चों? एक्स के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब वन, वन प्लस वन इज टू, सो टू एक्स। अब बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ वैल्यूज दी गए हैं P, Q, R और S का, तो शुरू करते हैं। पहला सम है 2P प्लस 2R। देखिए बच्चों, 2P का मतलब क्या हुआ? 2 into P, प्लस की जगह प्लस, और 2R का मतलब है 2 into R। सो 2 into P की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस 1। फिर इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, प्लस 2 into R, R का वैल्यू है 3। अभी प्लस 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, प्लस into माइनस इज माइनस, 2 ones are 2, प्लस के नीचे प्लस, टू थ्री ज़ा सिक्स। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। देखिए पहले m आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर a आ रहा है एडिशन। अभी एक प्लस एक माइनस तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट करके, p माइनस थ्री s प्लस r, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये क्या करना है हमें? मल्टीप्लिकेशन। p की जगह क्या आएगा बच्चों? माइनस वन, फिर माइनस की जगह माइनस, थ्री की जगह थ्री, ब्रैकेट क्लोज। एस की जगह क्या आएगा? माइनस टू, प्लस की जगह प्लस, आर की जगह थ्री। अब दो माइनस है तो हम क्या करेंगे? ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और इसे ब्रैकेट में, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, प्लस थ्री का साइन प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, फोर वन जार फोर, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब नेक्स्ट सम है पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू क्या है बच्चों? पी की वैल्यू है माइनस वन, प्लस की जगह प्लस, क्यू का वैल्यू है माइनस टू। अभी यहाँ भी एक प्लस ऑलरेडी है और फिर से माइनस लिखना है, तो हम दो साइंस है तो इसे ब्रैकेट में लग देंगे। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब माइनस वन द होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, थ्री की जगह थ्री। अब इससे पहले एक साइन बनाना है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस वन की जगह माइनस वन, प्लस इंटू माइनस माइनस टू। अब माइनस वन स्क्वायर क्या हुआ बच्चों? माइनस वन इंटू माइनस वन, सो माइनस इंटू माइनस प्लस वन, सो प्लस वन को हम सिर्फ वन भी लिख सकते हैं। दो माइनस है, माइनस वन माइनस टू, तो दो माइनस तो ऐड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, एंड वन प्लस थ्री इज फोर। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, और फोर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो हमारा आंसर है माइनस ट्वेल्व। बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। तो आज हमने चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेवन से शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please share, comment and subscribe.